नमस्कार दोस्तों, कैसी आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज आपको ले चलते हैं खूबसूरत सी जगह और इन पहाड़ों के बीच, और आप देख रहे हैं इन हसीन वादियों के बीच। नमस्ते हिमाचल। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मैं इस टाइम बिल्कुल एकांत शांत जगह में हूँ। तो अभी यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं और बिल्कुल एकदम शांत सी जगह में हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल हरा भरा चारों तरफ ये पहाड़, खूबसूरत सी वादियों के बीच। तो आइए आपको ले चलते हैं आगे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपको ले चलता हूँ मैं वाटरफॉल। तो इसमें आपको पूरा कंटिन्यू ब्लॉग दिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सच कहूँ, ये जगह जन्नत से कम नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और इन पहाड़ों के यहाँ के आप रोड देख सकते हैं। यहाँ से लगभग दोस्तों 2-5 मिनट का रास्ता है ऊपर के लिए, तो हम काफ़ी थक चुके हैं। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं इस जगह पे, जहाँ से आपको ये व्यू दिखाना था, इस व्यू का नज़ारा दिखाना था। तो इस टाइम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं मेरे पीछे। तो दोस्तों, इस जगह का काफ़ी आप आनंद ले सकते हैं, और ये झरना आपको मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, तो ये इतना खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सी जगह देखने के लिए आप अगर आ सकते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। जब आप तो ये पेखा बस्ती के इस जगह पे है। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। अभी काफ़ी लगभग बहुत ऊँचा है, और यहाँ पे व्यू की बात की जाए तो व्यू यहाँ से काफ़ी ऐसा आ रहा है, और ये वाटरफॉल आप देख रहे हैं काफ़ी। तो गाइस, इसके नज़दीक जाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ से मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, और तो इसके नज़दीक जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से काफ़ी चीज़ें पड़ रही हैं, और इस वाटरफॉल का आप व्यू देख सकते हैं, ये काफ़ी ऊँचा है लगभग। तो यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए और यहाँ पे घूमने के लिए। इसको आप भी आ सकते हैं, तो इस जगह का आनंद ले सकते हैं जब भी आप आएंगे, और इसका यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आप ये वाटरफॉल देख सकते हैं, ये बनाया नहीं गया है, ये कुदरत का करिश्मा है। आप इसका नज़ारा देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच खूबसूरत जगह पे। गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे पीछे आप सामने देख सकते हैं कि ओल्ड टाइप हाउस के घर है। तो ये काफ़ी देखने के लिए बहुत कम जगह देखने के लिए मिलता है, और बिल्कुल मेरे आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा चारों तरफ पेड़ है। तो आप इसकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत पुराने और कितने ओल्ड टाइप के दरवाज़े लगे हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली आना स्टार्ट हो चुकी है, और तो अभी यहाँ से काफ़ी ऊपर भी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे बैक में काफ़ी जंगल है। तो इस घने जंगल में सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको कर देना है शेयर। तो हमारे साथ आप बने रहे इस ब्लॉग में एंड तक, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुके हैं लगभग 2 बजे के करीब, तो हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लाया है। दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5। अभी आप इन माउंटेन के खूबसूरत पहाड़ों के बीच देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी सनलाइट होने वाला है, और आप पवर नदी का भी एक बार नज़ारा ले सकते हैं। ये जो पवर नदी आ रही है, ये पीछे चंद्रनाम से निकलती है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत सी लहर आ रही है।
सो गाइस, साथ में आप इन पहाड़ों के बीच हरे भरे जंगल देख सकते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। तो सनलाइट हो चुका है और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, अगली लोकेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।